नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तौर पर तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार को हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर डीएमएसएसपी ने बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में जिले के सभी सीओ एडीएम सहित सभी अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। डीएम धीरज गप्रयाल ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर दूसरे चरण की बैठक थी, जिसमें जिले के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर इसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में सौंप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ईओ इस संबंध में गुरुवार को बैठक लेकर हरिद्वार लोकसभा की सभी विधानसभा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे कि उसमें क्या तैयारियां हमारी होनी चाहिए। इसके दृष्टिगत हमारे जितने भी 11 ERO हैं, जितने CO हैं, ADMs, Additional SPs और सारे SHOs और SOs, उन लोगों की एक मीटिंग हम लोगों ने की है कि कल के दिन में सेंसिटिविटी कितनी हमारे ज़िले में है और उसमें वल्नरेबिलिटी की जो मैपिंग हम लोग करते हैं उसमें क्या प्रोग्रेस है, इसको लेके हम लोगों ने मीटिंग की है। तो दूसरे चरण की मीटिंग आज थी हमारी। हरिद्वार के सलेमपुर और दादूपुर गोविंदपुर क्षेत्र में लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों से फिर जहर निकलने लगा है। सभी मानकों और नियम कानून ताक पर रखकर लघु उद्योग रूपी कबाड़खाने चलाने वालों पर अब एक बार फिर जिला प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चाबुक चलेगा। सूत्रों की माने तो लघु उद्योग रूपी अवैध कबाड़खानों का जल्द सफाया हो सकता है। नायब तहसीलदार हरिद्वार के अगुवाई में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम पहले ही रहवासी क्षेत्रों से लेकर खेत खलियानों तक चल रहे अवैध लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों का निरीक्षण कर चुकी है, जिन पर कार्रवाई के लिए अब खाका तैयार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर एक बार फिर प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। ये है कि यहाँ पे हम वैसे भी पहले भी कई बार आ चुके हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। 3 बार हमने DM साहब को भी इस बारे में अवगत करवाया कि कितने ही कबाड़ खाने यहाँ पे प्लास्टिक जल रहा है, सारा पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण से वहाँ से पलायन भी हो रहा है कॉलोनी से। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि ज्ञापन देने आए हैं कि कुछ करिए इसके बारे में। नहीं हो पाता है आप लोगों से, SDM साहब लोगों से, तो फिर हमें फिर मजबूरन यहाँ पे धरने में बैठना पड़ेगा। महोबा के कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय किसान यूनियन ने एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि सरकार द्वारा MSP लागू की जाए, फसलों की सुरक्षा की जाए, फसल बीमा योजना के माध्यम से लाभ कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी उनकी तैयारी चल रही है, दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है वहां भी जाना है, जैसे ही उनके नेता का आदेश आता है वो लोग लाखों की तादाद में दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हमारा नाम राम खिलान सुगला, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महोबा। हमारा सरकार से जो वार्ताएं हुई थी आंदोलन के समय, 13 महीने के बाद आंदोलन उठा, सरकार ने हमको आश्वासन दिया था, उसमें हमारी 15 मांगे थी, MSP गारंटी, पक्की गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू और आपका पूरे संपूर्ण किसानों के कर्जा माफ़ हों, और जो दबदाएँ आपदाएँ आती हैं हर जिले में आती हैं, लेकिन कोई बीमा नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, लेकिन सरकार उसमें विशेष ध्यान दे, दबदा आपदाओं का भी जो है उसका सही रणनीति बनाई जाए। ऐसे हमारी 15 मांगे थी जिनमें सरकार ने वादा करने के बाद नहीं माना। उसी परिप्रेक्ष्य में आज राष्ट्रपति जी को DM महोदय के माध्यम से कानपुर पहुंचे राहुल गांधी और बोले कि एक साल पहले चले तो 4000 किलोमीटर चले और जनता के साथ गले लगते थे, सेल्फी लेते थे, वैसे लक्ष्य इस यात्रा में है। हम 15-20 मिनट बोलते हैं, लोग पूछते हैं उत्तर प्रदेश बिहार का क्या होगा, तो हम फिर आज यहाँ खड़े हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये देश नफरत नहीं भाईचारा मोहब्बत एक दूजे की यात्रा का है। नफरत करने का कारण लोगों से पूछो, पिछड़े दलित आदिवासी हो तो कुछ भी कर लो न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस अधिकारी से न्याय नहीं मिलता, नफरत और गुस्से का यही कारण है। पिछड़े लोग इस देश में 50% है, अल्पसंख्यक 15%, 8 आदिवासी, करीब 90% आबादी परेशान है। बड़ी कंपनियों में मालिक दलित आदिवासी एक भी नहीं और मीडिया के मालिक दलित आदिवासी नहीं है और आपकी कोई भागीदारी कहीं भी नहीं है। इसलिए सबसे कहा है कि हिंदुस्तान की प्रगति के लिए सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, जिसका पता चलेगा कि अडानी, अंबानी, टाटा और बिरला जैसे राज कैसे कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान के राजा हैं 3% लोग। फरुखाबाद में किसान नेता ने अन्न जल त्याग दिया है, जान देने का ऐलान कर दिया। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन करे किसान नेता का बड़ा ऐलान। वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकर मिश्र ने SDM सदर के रवैये से नाराज होकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि SDM साहब मौके पर आकर बताएं कि वो किसके बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, अधिकारी के। जब तक किसानों के बीच जाकर SDM ये नहीं बताएंगे वो कौन है, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्रभाकांत मिश्र मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि
कि यहाँ से चला भी गया तो अपने दरवाजे पर दरी बिछाकर अपनी जल त्याग कर बैठूंगा और जान दे दूंगा। कहा कि एसडीएम किसान के बेटे होते तो मेरी बात मान लेते, वो सरकार के बेटे हैं, अडानी अंबानी के बेटे हैं। एसडीएम के रवैये से खफा किसान नेता प्रभाकांत मिश्र ने अपनी जल त्याग कर जान देने का ऐलान कर दिया। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कलेक्टर गेट का ही पूरा मामला। फरुखाबाद में आरटी कार्यालय में अवैध वसूली की शिकायत पर एडीएम ने छापेमारी की है। छापेमारी से हड़कंप मच गया। एडीएम के औचक निरीक्षण से दलालों में भगदड़ मच गई। दुकानों में ताला लगाकर भागे, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और वाहनों के फिटनेस के नाम पर एआरटीओ में अवैध वसूली हो रही है। एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। एडीएम ने आने वाली रजिस्टर को चेक किया तो रजिस्टर में यह दर्ज नहीं मिला जो व्यक्ति आए उसका काम हुआ है जो नहीं। एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच प्रचलित है, जांच पूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। मामला एआरटीओ कार्यालय का बताया जा रहा है। फरुखाबाद में जिला अधिकारी विजय कुमार का माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। 3 सट्टा माफियाओं की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। डीएम विजय कुमार सिंह के आदेश पर तहसीलदार सदर ने पुलिस टीम के साथ 3 सट्टा माफियाओं की संपत्ति की जब्त की। सट्टा माफिया फरूल निवासी खटकपुरा के 41 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं हुसनैन 36 लाख की संपत्ति को सीज किया गया। तहसीलदार ने संपत्ति की अपनी देखरेख में सट्टा माफिया सर्वेश पाल निवासी बीजदपुर की 3 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। झांसी में किसानों द्वारा दिल्ली में किए जा रहे प्रदर्शन की आग जिला और तहसील स्तर पर पहुंची है। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष झांसी के नेतृत्व में तहसील गरौट में कृषि मंडी के सामने सैकड़ों किसान ट्रैक्टर सहित इकट्ठा हुए। तत्पश्चात मऊबो स्टैंड बाजार तहसील कोतवाली होते हुए पैदल मार्च किया। पैदल मार्च के पीछे पीछे लगभग आधा सैकड़ा ट्रैक्टर भी चल रहे थे। गरौट के करकई तिराहा में कुछ देर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन के बाद तहसील गरौट घनश्याम 2 को 1500 मांगों का ज्ञापन भी यहाँ पर सौंपा गया है। सोनभद्र के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान उर्मेरा परिसर में राजकीय निर्माण निगम विभाग द्वारा निर्माणाधीन भवन कस्तूरबा गांधी विद्यालय के भवन दिव्यांग बच्चों का आवासीय विद्यालय का जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहे घटिया सामग्री पर नाराजगी दिखाते हुए संबंधित को फटकार लगाई है। जिलाधिकारी के आकस्मिक निरीक्षण से निर्माण कार्य के जिम्मेदार कर्मचारियों के पसीने छूटते नजर आए। बताया दिया कि निर्माण कार्य में घटिया ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है जिसको देखकर डीएम साहब भड़कते हुए नजर आए। खबर उन्नाव से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को उन्नाव जिले में सुबह पहुंची। जहां कानपुर लखनऊ हाईवे होते हुए उन्नाव शहर पर पहुंच गए, जहां पहले से इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अकरमपुर में रुककर कार्यकर्ताओं से बात की। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार करीब 9:30 बजे लखनऊ से उन्नाव की सीमा पर पहुंची, जिसके बाद अजगैन होते हुए उन्नाव बाईपास पर पहुंची और यात्रा के दौरान उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट किया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं स्वागत को लेकर उन्नाव शहर में जाम की स्थिति बनी रही, जाम में फंसकर लोग परेशान भी दिखाई दिए। गोंडा में मंत्री धर्मराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि रिकॉर्ड मतों से भाजपा जीतेगी चुनाव। राहुल गांधी के यूपी के चुनाव पर टिप्पणी करते हुए पलटवार किया कि ये देश राम का है, युवा राम से प्रभावित है, लोग नेहरू कल्चर के लोग हैं और इन लोगों ने 70 सालों तक राम मंदिर की तारीख नहीं दी। देश की व्यवस्था को खंडित करने वाले हैं लोग, विचारों से बनता है देश, ना कि इस तरह की बयानबाजी से। चुनाव लोकसभा कैसरगंज हम बहुत रिकॉर्ड मतों से जीते, इसका लक्ष्य निर्धारित किया। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के बहाने आज बड़ा हमला कल बोल दिया बनारस में। उन्होंने ये कहा कि यूपी का जो भविष्य है युवा, वो शराब पी के नाच रहे हैं काशी। देखिए, अब राहुल गांधी के बारे में हम क्या बोलें, ये देश राम का है, इसी इस देश का। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना देते हुए नजर आए। किसानों का कहना है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया है, उन्हें अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। इसी के विरोध में रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर ये धरना दिया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें कभी खालिस्तानी कहा जाता है तो कभी आतंकी। ये कैसी सरकार है जो देश के अन्नदाताओं को इतने भद्दे शब्द कहती है? ऐसी सरकार कभी भी किसानों और आम लोगों का भला नहीं कर सकती। जो हमारे हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, उन्हें वहाँ के बॉर्डरों पर सरकारों ने रोक कर और उन पर आंसू गैस के गोलियां लाठियां बरसा रहे, 2 किसान जिसमें हमारे शहीद भी हो गए। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल थी, हम सब पूरे भारत के किसान एक हैं, सब उन लोगों के साथ हैं। आज हमने एक दिन का यहाँ धरना प्रदर्शन किया और अगर हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होगी तो हम सब लोग दिल्ली भी कूच करेंगे और भारत के पूरे भारत का किसान एक है, कोई किसान अलग नहीं है। हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। जो वादे सरकार ने करे थे जिसमें हमारा 13 महीने का आंदोलन स्थगित हुआ था, वो एक भी वादा
लाल कुआं बिंदुखत्ता को राजस्व कुआं बनाने और गौला नदी में तटबंध निर्माण की मांग से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बिंदुखत्ता संघर्ष समिति अगुवाई में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपनी मांगों को लेकर हजारों लोगों का हुजूम सड़क पर उतर आया। इस दौरान ग्रामीणों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बिंदुखत्ता को जल्द राजस्व गांव बनाने की जोरदार मांग की। वहीं लगभग 4 घंटे तक चले धरने प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें उन्होंने राजस्व गांव प्रक्रिया शीघ्र शुरू नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि इस मामले पर अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और हम इनकी लड़ाई के साथ हमने हमेशा बिंदुखत्ता जितने गोट खत्ते आदि हैं इनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया और हम आगे भी प्रयास करेंगे। इस सरकार से हमने केवल एक अपेक्षा की है कि ये जो है जो बिंदुखत्ता को अवैध कब्जे के रूप में दर्शाया गया है उस आदेश को फाड़ दें, उस कागज को फाड़ दें और सार्वजनिक रूप से। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी की शिकायत सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यूपी बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। शिक्षा महकमे में परीक्षा शुरू होने से पहले ही तैयारियों को पूरा करने का दावा किया है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बुधवार को संभल जिले के चंदौसी स्थित अपने आवास पर यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कहा कि प्रदेश में परीक्षा केंद्रों पर 55,25,308 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि इन परीक्षार्थियों में 29,47,311 परीक्षार्थी हाईस्कूल और 25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड की परीक्षाएं अच्छी प्रकार से संपन्न की जाएंगी, जिस प्रकार से पिछले साल की गई थी उससे भी और अच्छी व्यवस्था हमने बनाई है। कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था होती है वो हमारे सामने तुरंत आ जाएगी और उसके हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किस तरह से देखती है जो सब इलाके हैं उनको किस तरह चिन्हित किया गया है? महोबा में फिर बेमौसम बरसात हुई है, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, साथ ही ओले गिरने से किसान बेचैन हो गए। ओले और बारिश से फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। कानपुर शहर में 8 साल के नाबालिग को दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। क्षेत्रीय निवासी ने बदनीयत से अप्राकृतिक यौन का शिकार बनाने की कोशिश की। कानपुर शहर में परमिट चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चौकी इंचार्ज ने पीड़ित परिवार को चौकी से भगाया। परिवार ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। परमिट चौकी अंतर्गत अस्पताल घाट निवासी परिवार के 8 साल के बच्चे को बहला फुसलाकर क्षेत्र के रहने वाले गुलाब ने चॉकलेट के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। आरोप है बच्चे के परिजनों का क्षेत्र निवासी पर। बच्चे की मदद की पुकार सुन पास में ही मौजूदा बच्चे की मौसी के पहुंच जाने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, वहां से फरार हो गया। हम लोग कमिश्नर ऑफिस आए हैं और हमारी शिकायत ये है कि इस बच्चे को, हमारे बच्चे को बुलाया गया थाने, वो एक आदमी ने बुलाया घर के अंदर और उसको चॉकलेट का बहाना दिया छोटे से बच्चे को और उसके बाद इससे कहने लगे पैंट उतारो और उस बच्चे ने चिल्लाया तो हमारी बगल वाली आ गई, उसको भी उन्होंने और इसको मारा बहुत। इसलिए हम गए थाने में ये कंप्लेन लेके, मगर थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई और हम लोग को भगा दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।